सिग्निफिकेंट नंबर के बाद अब हम लोग बात करेंगे एक्सपोनेंशियल नोटेंसर, एक्सपोनेंशियल नोटेशन। किसकी बात करेंगे? एक्सपोनेंशियल नोटेशंस। इसके लिए हम साइंटिफिक नोटेशंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? साइंटिफिक नोटेशंस, ठीक है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन या फिर साइंटिफिक नोटेशन। लेकिन होता क्या है ये? ये होता है साइंस में किसी भी, जैसे केमिस्ट्री में किसी भी एटम का हमें वेट निकालना है, मास निकालना है, तो जो मास होता है उसका बहुत ज़्यादा कम 0.00000000 इतने सारे जीरो हमें लगाने पड़ते हैं और इसके बाद ये आता है बोले 1, 2। तो इतनी बड़ी डिजिट को ऐसे ना लिख करके हम क्या करते हैं, टू द फॉर्म में लिखते हैं। कैसे? n इंटू 10^n, ये हमारा फार्मूला होता है। इस फार्मूले के तरह से हम इसको राइट करते हैं। कैपिटल n, कैपिटल n क्या है हमारे पास? अ नंबर विद अ नंबर विद अ सिंगल नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल, टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल एंड स्मॉल एन एक्सपोनेंट ऑफ 10, एक्सपोनेंट ऑफ 10। ये 10 की क्या है? पावर है। पावर आपकी मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, या फिर जीरो भी हो सकता है। क्लियर? द एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव इफ द डेसिमल इज मूव्ड टू द लेफ्ट। एक्सपोनेंट क्या होगा? पॉजिटिव होगा इफ द डेसिमल इज मूव्ड, इफ द डेसिमल इज मूव्ड टू द लेफ्ट एंड नेगेटिव व्हेन मूव्ड टू द राइट। अगर ये राइट में मूव करेगा तो कैसा होगा बेटा? नेगेटिव होगा, और लेफ्ट में मूव करेगा तो पॉजिटिव होगा। एग्जाम्पल 404.00। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा 4.04, नॉन डिजिट नंबर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और देखिएगा जीरो पॉइंट कहाँ मूव कर रहा है? 1, 2, 3, 4, 4 के बाद आया है ना, तो यहाँ पे 10^4। इसे हम ऐसे राइट करेंगे क्योंकि डेसिमल जो है वो लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। अगर यहाँ पे मैं ऐसे लिखूँ 0.00004, तो अब डेसिमल पॉइंट किधर मूव करेगा? राइट साइड में मूव करेगा 0.04, और कितना मूव कर रहा है? 5 मूव कर रहा है, तो ये 5 आपका आएगा माइनस का। क्लियर? तो ये जो होता है आपका साइंटिफिक नोटेशन से एक्सपोनेंशियल नोटेशन होता है। क्लियर?